आप ये कब सीखेंगे कि मैं अपने विचारों को कैसे संभालूं, मैं अपनी भावनाओं को कैसे संभालूं? हम आपको साधन देंगे कि इस मशीन को कैसे समझा जाए। समस्या चाहे जो भी हो, हम अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमें लगता है कि हम उदास हैं, हम अकेले हैं और हर कोई हमारे खिलाफ है, कोई भी नहीं जो हमारा मार्गदर्शन करे या हमसे बात करे। तो उस समय हमें इसे कैसे संभालना चाहिए या इससे कैसे निपटना चाहिए? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें ढेर सारे लोग हैं अपने अनुभव में, उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव में जीवन कुछ ऐसा है, मैं बनाम ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के साथ मुकाबला करना एक बेवकूफी भरा काम है, आपको इस मुकाबले में नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, मैं बनाम ब्रह्मांड एक बहुत बुरा मुकाबला है। तो योग इसीलिए है। योग का मतलब अपने शरीर को मोड़ना और मरोड़ना नहीं होता। योग शब्द का अर्थ है एक हो जाना। अभी ये मैं बनाम ब्रह्मांड है, ये सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति है, ये सच्चाई नहीं है। जब आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं कि आप फिर भी सांस ले रहे हैं, तो आप दुनिया के साथ लेन देन कर रहे हैं, है ना? आपकी बस अपने आसपास के लोगों से नहीं पटती, लेकिन वातावरण से आपको कोई दिक्कत नहीं है, भोजन से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका स्वाद अच्छा हो तो, पानी से कोई दिक्कत नहीं है, आप दुनिया के साथ लेन देन कर रहे हैं, है ना? आपका अस्तित्व लगातार ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका मन ब्रह्मांड के खिलाफ हो जाता है। अगर आप ऐसी मानसिक स्थिति बनाते हैं कि आप ब्रह्मांड के खिलाफ हैं या आप ब्रह्मांड या सृष्टि के साथ मुकाबले में हैं, तो जाहिर है कि आप छोटी छोटी बातों पर कुचला हुआ महसूस करेंगे। छोटी छोटी चीजें आपको कुचल देंगी। जब मैं कहता हूं छोटी चीजें, शायद आप अपनी परीक्षा में फेल हो गए, शायद आपको इस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, शायद आपको नौकरी से निकाल दिया गया, शायद किसी ने आपको धोखा दे दिया, शायद ऐसा कुछ और हुआ। ये सब जीवन और मृत्यु के बीच की छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि आप यहां खाली हाथ आए थे, है ना? जब आप मरेंगे तो आपके लिए कोई कंटेनर सर्विस नहीं होगी, आप खाली हाथ मरेंगे। इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने अपने घरों को गोदाम बना लिया है, ज्यादातर लोग अपने सिर पर इतना बड़ा बोझ ढो रहे हैं मानो वो पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर ढो रहे हों। ये उनकी अपनी मानसिक परिस्थिति है। आप अपने विचारों और भावनाओं की ही बात कर रहे हैं, है ना? आप ये कब सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालना है? इनके नहीं, इनके नहीं, इनके नहीं, आपके। आप ये कब सीखेंगे कि मैं अपने विचारों और भावनाओं को कैसे संभालूं अपने जीवन के अंत में? जीवन के साथ असल में बस यही एक समस्या है। ज्यादातर इंसानों ने खुद को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। उन्हें समझ नहीं आता कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पॉपअप देखे हैं? आप इस ग्रह पर एक पॉपअप हैं। आप 2 सेकंड के लिए पॉपअप होते हैं और पॉप आउट हो जाते हैं। नहीं नहीं, आपको देखना चाहिए, आपकी और मेरी तरह के अनगिनत लोग इस धरती पर चले हैं, वो भी बड़े लोग थे। वो कहां हैं? सब सतह की मिट्टी बन गए। बन गए कि नहीं? जब तक कि आपके दोस्तों ने आपको बहुत गहरा न दफनाया हो, इस डर से कि शायद आप फिर से उठ खड़े हों। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, है ना? या शायद आप स्वर्ग जाने की योजना बना रहे हों। हेलो, जो भी इंसान जो किसी ऐसी जगह की बात करता है, इस जगह के अलावा कोई और जगह जो इससे बेहतर है, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। मेरा मूलभूत काम है सभी स्वर्गों को नष्ट करना, ताकि लोग यहां अच्छे से रहना सीखें। वे सभी बेवकूफ जिन्होंने खुद को नरक बना रखा है, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। उन्होंने इस जगह को खराब कर दिया और अब वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं हैं और इसे खराब कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? आप पहले से ही स्वर्ग में हैं और इसे खराब कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये भी नहीं सीख रहे कि अपने विचार और भावना की बुनियादी क्षमताओं को कैसे संभालें, है ना? आपका एकमात्र तर्क ये है कि हर कोई ऐसा ही है, पागलखाने में ऐसा ही होता है,
सिर्फ डॉक्टर पागल नजर आता है। तो आप इसे कब संभालेंगे? आराम से 60 की उम्र में? बताइए, आप कब सीखेंगे कि मैं अपने विचारों को कैसे संभालूं, अपनी भावनाओं को कैसे संभालूं, अपने शरीर को कैसे संभालूं, अपनी केमिस्ट्री को कैसे संभालूं? आप इसे कब सीखेंगे? अपने जीवन के अंत में? क्योंकि इस बात का बहुत चलन हो गया है, आध्यात्मिकता कब करें, यानी जब आप 70 साल के हो जाएं, जब आप और कुछ भी करने के लायक ना रहें। नहीं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। आपके बारे में जो सबसे गहरी चीज है, स्वर्ग के बारे में नहीं, इस जीवन के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए, आपको जल्द से जल्द जान लेना चाहिए, है ना? तभी आप एक समझदारी भरा जीवन जी पाएंगे। आपकी समस्याएं, आपको उन्हें ठीक करना चाहिए, है ना? ये समस्याएं नहीं है। मैं चाहता हूं आप ये समझें कि आप अपने जीवन से दुखी नहीं हैं। आप बस दो शानदार क्षमताओं से दुखी हैं, जो सिर्फ ये मानव होने का सौभाग्य है कि हमारे पास ये दो शानदार क्षमताएं हैं। पहली ये कि हमारे पास एक स्पष्ट याददाश्त है। इस याददाश्त के कारण ही हमारा जीवन काफी अधिक समृद्ध है किसी भी दूसरे प्राणी की तुलना में, और हमारे पास एक शानदार कल्पना शक्ति है। अभी आप इसी से दुखी हैं। 10 साल पहले जो हुआ था, आप अभी भी उससे दुखी हो सकते हैं। क्यों? आप जीवन से दुखी हैं या याददाश्त से? हेलो, याददाश्त से। परसों शायद जो हो, आप पहले ही उससे दुखी हैं। आप जीवन से दुखी हैं या कल्पना से? आपके पास जो दो सबसे शानदार क्षमताएं हैं, आप उनसे दुखी हैं। तो आप क्या मांग रहे हैं? आप एक बार फिर से एक केंचुआ बनना चाहते हैं। केंचुआ एक बहुत ही इको फ्रेंडली प्राणी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लाखों सालों के विकास के बाद आपको इतना बड़ा दिमाग मिला है और अब आप इससे दुखी हैं। अगर हम आपका आधा दिमाग निकाल दें तो निश्चित रूप से आप यहां बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी दुख के बैठेंगे, बिल्कुल शांत। हमें करना यह है कि हमें आपका दिमाग निकाल देना है, क्योंकि आप अपनी ही बुद्धि से दुखी हैं। हाँ या ना? क्योंकि हमने आपको एक बहुत ही जटिल मशीन दी है। आपने यूजर्स मैनुअल को पढ़ने की तकलीफ भी नहीं उठाई है। आप बस इसे जैसे तैसे चलाना चाहते हैं। नहीं नवजवानों, समय आ गया है कि आप अपने बारे में कुछ बातें जान लें। अगर आप नहीं जानते कि कैसे, तो हम आपको साधन देंगे कि इस मशीन को कैसे समझा जाए, क्योंकि आपके जीवन में कई मुद्दे आएंगे। आपके जीवन में ज्यादा मुद्दे आते हैं, यानी आप एक ज्यादा सक्रिय जीवन जी रहे हैं। कुछ नहीं आया मतलब आप जी ही नहीं रहे हैं। हाँ, हर दिन कई मुद्दे होंगे। मेरे पास सबसे ज्यादा दिक्कतें रहती हैं मेरे जीवन में हर दिन, क्योंकि दुनिया भर में इतनी सारी गतिविधि, विश्व स्तर की गतिविधि, सिर्फ वॉलंटियर्स के साथ। ठीक है, वॉलंटियर यानी कोई भी उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और आप उन्हें इनएफिशिएंसी की वजह से निकाल नहीं सकते, और वे आपसे प्यार करते हैं, क्या करें? ये एक बात आपको पक्की करनी चाहिए कि आपके जीवन में आप खुद मुद्दा नहीं हैं। ठीक है, समस्या चाहे जो भी हो, हम अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये मुद्दा नहीं होना चाहिए।